हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। छुंटिया नारी मानकर सब अलंकार मध्यरो गोटे अलंकार होई थाए, जहाकु पिंधिले स्त्री लोक मानकर पादर सौंदर्य बढ़ी थाए। आज वीडियो रे आमे कहिबु कि झुंटिया को क्यों अंगूठी रे पिंधिबा उचित ओ काहा को पिंधिबा उचित नहीं, एवं झुंटिया स जड़ित क्यों क्यों सब बड़ बो स्त्री लोक माने करि बसी थांती, जहारो कारण रे तांको स्वामी मानकु दुर्भाग्य रो परिस्थिति रो सामना करिबा को पड़ी थाए। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म रे बाहा हेतिबा महिला माने पादरे झुंटिया पिंधि थांती। आम धर्म रे दुई पादर अंगूठी मझिरे थिबा तीनि अंगूठी रे झुंटिया पिंधिबार परंपरा अछि। स्त्री लोक मानकर सब अलंकार झुंटिया को नहीं मथामणि पर्यंत होइथाय। झुंटिया नारी मानकर शेष अलंकार होइथाय। नारी मानकर मुंडरे सुनार मथामणि और पादरे चांदी बा रूपार झुंटिया पिंधिबार कारण एहा अटे कि सूर्य और चंद्रंकर कृपा पति और पत्नी बा स्वामी स्त्री दुजनक उपरे जीवन सारा बनी रहु। एही कथा बोधे आपण जानि नथिबे कि झुंटिया स्वामीर गरीब बा दरिद्रतार कारण मध्य बनी पारे। फ्रेंड्स, आम चैनल तरफ रु गूगल प्ले स्टोर रे ओडिया बहु टिप्स और हेल्थ टिप्स ओडिया दुईटी एंड्रॉइड आप लॉन्च करा जाय छी, जहां आपण को पई बहुत उपयोगी हेबो। ओडिया बहु टिप्स आप रे पूजा पाठ, वास्तु शास्त्र, घर संसार, स्त्री और पुरुष कौन करबा उचित और कौन करबा उचित नुहे, एमिति अनेक विषय रही छी जहां को आपण जानि परिबे। एवं हेल्थ टिप्स आप रे अनेक प्रकार रोग विषय लेखा हो छी, जेमिति कि थंडा, ज्वर, खासु ठारु ने कैंसर पर्यंत सब रोग के केमिति होइथाय, एहारो लक्षण कोन होइथाय, आउ एथिरो केमिति आपण सुरक्षित रहि पारिबे, एही आपरे जानि पारिबे। डिस्क्रिप्शन रे ही दुटी आपरो लिंक रखा जाय छी, आपण डाउनलोड करि लेबे। तो आसंतु जानिबा एहा विषय रे। फ्रेंड्स, आपण जदि माता लक्ष्मीकर कृपा पाइबा पई चाहंती, एही सब कथार ध्यान निश्चय रखंतु। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म रे बाहाघर परे स्त्री लोक माने पादर अंगूठी रे झुंटिया पिंधि थांती। झुंटिया पिंधिबा एहा नुहे कि से विवाहिता अटंती, बरं एहा कि एहा द्वारा नारी मानकर मासिक चक्र नियमित होइथाय। तो चालंतु जानिबा झुंटिया केउ अंगूठी रे पिंधिबा उचित होइथाय। विवाहित नारी मानकु झुंटिया को बाम और डाहाण पादर द्वितीय अंगूठी रे पिंधिबा उचित होइथाय। केतेक नारी माने झुंटिया को जोड़ी करी पिंधि थांती, ताहा भी ठीक अछि, किंतु केबे भी आपण तीनोटी झुंटिया को एकाठी एका सांगरे गुट्टे अंगूठी रे पिंधिबा उचित होइ न थाय। एहा करिबा शुभ बोली माना जाय नाही। तो चालंतु जानिबा काहा को झुंटिया पिंधिबा उचित नहि। प्रत्येक नारी बाहाघर परे निजर पादरे झुंटिया पिंधि थांती। एठारे एही कथार ध्यान रखिबा उचित कि झुंटिया केवल विवाहित नारी मानको ही पिंधिबा उचित, कुआरी झियो मानको भोरे भी झुंटिया पिंधिबा उचित होइ न थाए। एहा छोडा विवाहित नारी मानको पई झुंटिया बहुत ही जरूरी अटे। पादरे झुंटिया पिंधिबा द्वारा गर्भधारण रे किछि भी समस्या आसि न थाए, किंतु एही कथा बहुत कम लोक को जाना थिबो जे स्त्री लोक मानकर निज पादरे झुंटिया भल भाबरे जदि पिंधिबे नाही तो स्वामीर गरीबर कारण भी बनि पारे। फ्रेंड्स, नारी माने षोल श्रृंगार करिथांती। मथामणि ठारु नै पादरे पिंधिथिबा झुंटिया पर्यंत प्रत्येक अलंकारर एक महत्व थाए, किंतु झुंटिया स्वामीर गरीबर कारण काही बनिथाय चालंतु जानिबा। एही कथार खास ध्यान रखिबा दरकार कि झुंटिया सबुबेले चांदीर ही पिंधिबा उचित, भूलरे भी केबे सुनार झुंटिया पिंधिबे। स्त्री लोक मानकु झुंटिया बहु ढीला करिके केबे पिंधिबे नाही। ध्यान रखिबे कि निजरो पिंधिथिबा झुंटिया को केबे भी काहाकु देबे नाही। एहा करिबा द्वारा स्वामी को कांगाळ दरिद्रतार सांघातिक परिस्थिति देखिबा को पड़िथाय। एहा सह एही कथार भी आपण ध्यान रखिबे कि पादरे पाउची बा झुंटिया घुंगुरु वाला ही पिंधिबा उचित होइथाय, काहे कि ना हर घुंगुरु शब्दरे माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं एमितिका घरे बास मध्य करिथांती। फ्रेंड्स, आपणक स्वामी को प्रत्येक काम रे असफलता मिलुची और पैसार बहुत अभाव रहुची, खराब सिचुएशन रो सामना करबा को पड़ुची, ताहले केवल झुंटिया ही नुहे बरं आहुरी केचे जिनिसर सावधानता मध्य रखिबा दरकार। फ्रेंड्स, विवाहित महिला मानको भूल रे भी उपहार रे मिलिथिबा सिंदूर रो केबे व्यवहार करबा उचित नुहे। जदि सिंदूर आपणक स्वामी देइछंती तो आपण ताकु निश्चय प्रयोग करि परिबे, किंतु स्वामी छोडा आउ केही आपणक सिंदूर देइछंती तो ताकु आपण आपणक मथारे भूल रे भी लगांतु नाही, एहा अशुभ बोली माना जाइथाय। एहा सह संख्या जुडी सह जोडा एही खास कथा रे भी आपण निश्चय जानि नेबा उचित कि विवाहित महिला मानको मंगलवार और शनिवार दिन केबे भी संख्या चूड़ी किनि नेबा उचित होइ न थाए। एही दिन चूड़ी किनिबारे अशुभ हुए बोले माना जाय थाए। जदि आपण एही दिन किनिथिबा चूड़ी पिंधिबे तो एहार प्रभाव आपणक स्वामीर दुर्भाग्य को डाकी थाए। एही कथा जानि नियंतु कि विवाहित महिला मानको संख्या चूड़ी पिंधिबा जेते जरूरी होइ थाए, सेतिकि ही जरूरी होइ थाए चूड़ीर रंग
काहेकि ना फ्रेंड्स आपण केउ रंगर चिउडी पिंदुचंती एहार सीधा प्रभाव आपणक स्वामी को उपरे पड़ी थाए। यहाँ सब मन रखिए कि भंगा चूड़ी पिंधारे स्वामी खराब समय आसवर संकेत मिली थाए। संगे संगे चूड़ी भांगिले हाथ रू का दिंतु। तो चलतु जानवा चूड़ी रंग क्यों रंगर चूड़ी पिंधा उचित होता है। नाली रंगर चूड़ी पिंधा शुभ बोली माना जाए। स्वामी लंबा आयुष शुभ होता। स्वामी स्त्री मध्य प्रेम बढ़ी थाए। विवाहित महिला मान को धला और कला रंग चूड़ी पिंधा उचित होना था। धला और कला रंगर चूड़ी पिंधा विवाहित महिला मान अशुभ होता है। यह बहुत खराब भाग्य नहीं आसी था। यार नकारात्मक प्रभाव आपणकर स्वामी उपरे पड़ी था। जो महिला धला और कला रंगर चूड़ी पिंधि था तो स्वामी जीवन में दुर्भाग्य बहुत बड़ आसी था। खराब भाग्य सह आपण स्वामी को भी जेकोसी दुर्घटन सामना करने को पड़ता है। से सबू नारी मैंने सबू कथार विशेष ध्यान रखा उचित।